नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वायरल हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह ज्वालामुखी दुनिया में ला सकता है ऐसी तबाही, यह साइंटिस्ट के लिए बन गया सबसे बड़े डर की वजह। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी की। इसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। कहते हैं आज ये ज्वालामुखी वैज्ञानिकों के लिए बड़े डर की वजह बन चुका है। जी हाँ, इस ज्वालामुखी का नाम है येलोस्टोन। इसे लेकर साइंटिस्ट को नया डर सताने लगा है कि यह लावा से भरा हुआ है और कभी भी फट सकता है। इसीलिए वैज्ञानिक इसे सुपर वोल्केनो के नाम से भी जानते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो यह ज्वालामुखी 72 किलोमीटर लंबी और 54 किलोमीटर चौड़ी एक चैनल के नीचे मिली है। इसमें लावा भरा हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसमें धमाका हुआ तो यह सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट होगा। यह जानकर अब साइंटिस्ट भी घबरा गए हैं और अब सवाल यह है कि अगर इस सुपर वोल्केनो में धमाका हुआ तो क्या क्या होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की ओर से रिसर्च कर रहे डॉक्टर पीटर नेल्सन ने बताया कि इतनी तादाद में लावा होना बेहद खतरनाक है। ये कभी भी फट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में इसके विनाशकारी असर होंगे। इस ज्वालामुखी में इतनी ताकत है कि इसका मलबा आसमान में सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाली मोटी राख आसमान में जम जाएगी जो सूरज की किरणों को पूरी तरह से ढक देगी। हालात ऐसे बन जाएंगे कि जैसे किसी परमाणु हमले के बाद ये हुआ हो। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद सूरज की किरणें महीनों तक धरती पर नहीं पड़ेंगी और हम न्यूक्लियर विंटर जैसा कुछ देखेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ज्वालामुखी से निकला लावा भी कई किलोमीटर के दायरे में बिखरेगा। इसके चलते वहां जीवन नष्ट हो जाएगा। इससे पहले ज्वालामुखियों पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर मिशेल पोलैंड ने बताया कि सबसे खतरनाक माने जाने वाले येलोस्टोन वोल्केनो में बेहद ताकतवर धमाका हो सकता है। इस बार इसके विस्फोट से हाइड्रोथर्मल इरप्शन होगा। अगर ऐसा होता है तो इससे लगे कई इलाकों में विनाश जैसी स्थिति बन जाएगी। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि लगभग 13,000 साल पहले ऐसा ही एक धमाका इस ज्वालामुखी के पास हुआ था, जिस वजह से यहाँ 2.5 किलोमीटर चौड़ी खाई बन गई थी। दोस्तों, इसी प्रकार की नई नई वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद।